हेलो दोस्तों, मैं यश और आज के वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है स्प्लाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो दोनों कपल होते हैं और ये दोनों के दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी कि ये लोग नए नए डीएनए पे काम करके नई नई स्पीशीज लाते थे, इनका यही काम था। इसमें जो लड़की है उसका नाम एल्सा होता है और इसके हस्बैंड का नाम होता है क्लाइव, और ये दोनों के दोनों एक कंपनी के अंडर काम करते थे जिसका नाम नर्ड था। और नर्ड कंपनी का काम ही था कि अलग अलग डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करना और नई नई स्पीशीज को लाना। और ये लोग नई स्पीशीज इसीलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें अलग अलग बीमारियों की दवाई बनानी है बाकी कंपनियों से पहले। फिर हमें एक एनिमल दिखाया जाता है जो इन्होंने नया नया एक्सपेरिमेंट करके इसे जन्म दिया था, और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है और आपने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी होगी। और ये जो एनिमल था वो एक मेल था, और इसके पहले भी इन्होंने एक एनिमल यही सेम टाइप में पैदा किया था और वो एक फीमेल थी। जैसे ही वो दोनों साइंटिस्ट इन दोनों को आमने सामने लाते हैं, ये लोग एकदम ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इन्हें लगता है कि हाँ, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर ये दोनों साइंटिस्ट अपने बॉस के पास जाते हैं, और अपने बॉस के पास जाने के बाद वो लोग उसे ये खुशखबरी देते हैं कि हमने एक नया एनिमल बना दिया है जिससे हम कई सारी अलग अलग बीमारियों की दवाई बना सकते हैं और हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। मगर जो एल्सा होती है वो अपने बॉस से पूछती है कि क्या हम इंसानों के डीएनए पे काम करना स्टार्ट कर दें। तब उसकी बॉस बोलती है कि नहीं, हमें अभी आगे से परमिशन नहीं मिली है इस काम की। मगर क्लाइव और एल्सा दोनों ही बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपनी बॉस को, मगर वो फिर भी इन दोनों को परमिशन नहीं देती और बोलती है कि मेडिसिन पर अभी हमें सारा ध्यान देना है, उसके बाद का बाद में हम देख लेंगे। फिर जैसे ही बॉस इन्हें ये बात कहती है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कंपनी हमें अपना काम करने से रोक रही है, क्यों ना हम अलग से सीक्रेटली इस काम को करें। तब वो दोनों ही एग्री हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो एल्सा है वो किसी ह्यूमन का डीएनए लेकर आई है अपने साथ। फिर वो डीएनए ये लोग किसी एनिमल के डीएनए से मैच करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग बहुत टाइम मेहनत करते हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे, मगर इनको लास्ट में फेलियर ही हाथ में आता है, जिसकी वजह से इनकी भी बहुत सारी उम्मीदें टूटने लगती है। मगर इन फेलियर के बावजूद वो लोग हार नहीं मानते, और वो अगले दिन एल्सा फिर से कोई नए पर्सन का डीएनए लेकर आती है और वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही खास डीएनए है। फिर जैसे ही वो दोनों इंसान के डीएनए को एनिमल के डीएनए से मैच करते हैं तो वो मैच हो जाता है और इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। मगर जैसे ही वो डीएनए मैच हो जाता है, उसके बाद जो क्लाइव होता है वो एल्सा को बोलता है कि हमें इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलीगल चीज है, और अगर किसी को मालूम पड़ा हम ये सब हरकतें कर रहे हैं तो वो लोग हमें जॉब से भी निकाल सकते हैं। मगर एल्सा जो होती है उसको इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो क्लाइव को बोलती है कि नहीं, अब हमने इस काम को चालू किया है तो हम इस काम को पूरा खत्म करने के बाद ही बंद करेंगे। फिर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर बच्चा पैदा हो रहा होता है, मगर वो रेगुलर टाइम से बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा था और लगभग आधे दिन में ही वो पैदा हो चुका था पूरा। और जैसे ही वो पैदा होता है अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों उस एक्सपेरिमेंट रूम में भाग कर आते हैं, और ये लोग देखते हैं कि अब बच्चा बाहर निकलने की हालत में आ चुका है। फिर जैसे ही क्लाइव को मालूम पड़ता है कि ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, वैसे ही वो सोच लेता है कि अब मैं इसे पूरा मार के ही रहूंगा क्योंकि अगर इसके पास कुछ अलग एबिलिटीज हुई तो ये सबके लिए दिक्कत बन सकता है। मगर फिर भी एल्सा उसको बोलती है कि नहीं, एक बार हमें देखना चाहिए। और फिर जैसे ही वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वो ऑलरेडी बच्चा मरा हुआ होता है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, जैसे ही उस चेम्बर के अंदर वो देखते हैं कि वो बच्चा मर चुका है, असल में वो बच्चा मरा नहीं होता बल्कि वो एक स्किन होती है जिसके अंदर से वो बच्चा निकलेगा। और जैसे ही वो उसे खोल कर देखते हैं अंदर कोई बच्चा नहीं होता, इसका मतलब उसी रूम के अंदर वो बच्चा कहीं घूम रहा है। और जैसे ही क्लाइव बाहर जाता है वो बच्चा एल्सा के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइव डर जाता है और वो बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैं पॉइजनस गैस इस रूम के अंदर छोड़ रहा हूँ। मगर फिर एल्सा उसको मना कर देती है और वो बोलती है पॉइजनस गैस मत छोड़ो, इसको हम बेहोश करने के बाद इस पर रिसर्च करेंगे। फिर हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्सा इस पर रिसर्च कर रही होती है, और तब उसे मालूम पड़ता है कि ये एक फीमेल है और ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, और एक टाइम पे आकर इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी कि ये ऑटोमेटिकली मर जाएगी। फिर हमें एल्सा और उस क्रिएचर के बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसको अपने बच्चे जैसे ट्रीट कर रही होती है, वो उसको खाना भी खिला रही होती है, वो उसको पढ़ाने की कोशिश भी कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा होता है।
बहुत ही जल्दी उसके हाथ भी आने लगते हैं और उसका माइंड भी बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। फिर जब एल्सा उस क्रिएचर को अपना नाम लिखने के लिए बता रही होती है कि मेरा नाम लिखो, तब वो क्रिएचर उल्टा उस कंपनी का ही नाम लिख देता है जिसका नाम नर्ड होता है। फिर एल्सा के दिमाग में आता है कि इसने ऐसा क्यों करा, इसको तो पता ही नहीं है कि नर्ड क्या है। मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि वो उसके टी शर्ट पे लिखा हुआ था, इसीलिए उसने वो देख कर ही वही लिख दिया, जिसे देखने के बाद एल्सा बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें क्लाइव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको ये क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं पसंद होता और उसको इस पर हमेशा चिढ़ रहती है। और क्लाइव उस एनिमल को हमेशा जानवर जानवर बोलता था, इसी वजह से एल्सा उसे बोलती है कि तुम्हें इसे जानवर नहीं बोलना चाहिए, कि इसका नाम मैंने ड्रेन रखा है, क्योंकि जो नर्ड को उल्टा करते हैं तब वो ड्रेन बनता है, तब वो उसको ड्रेन नाम से बुलाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लाइव का जो भाई होता है वो उस क्रिएचर को देख लेता है और उसे सब बात मालूम पड़ जाती है कि ये लोग क्या तिकड़म लगा रहे हैं पीछे पीछे। मगर उसके बाद सीन कट होता है और हमें क्लाइव और एल्सा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये लोग बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। जो इन्होंने स्टार्टिंग में दो एनिमल पैदा करे थे उन दोनों को ही ये लोग पूरे दुनिया के सामने लाने वाले होते हैं। मगर जैसे ही वो दोनों क्रिएचर सबके सामने आते हैं तब वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते और वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फिर जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है वहाँ के साइंटिस्ट सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर इन्हें मालूम पड़ता है कि इन दोनों में जो फीमेल थी वो अपने आप कन्वर्ट होकर मेल बन गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को हेट करने लग गए थे। और इन्होंने इन दोनों क्रिएचर पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि इनका सारा ध्यान ड्रेन के ऊपर लगा हुआ था। फिर हमें ड्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसको देखने में ऐसा लगता है कि वो एक टीनेज गर्ल है। मगर एक दिन किसी बात से चिढ़कर वो ड्रेन अपने घर से भाग के जंगलों में चली जाती है और वहां जाकर वो एक रैबिट को मार देती है और ड्रेन रैबिट को मारने के बाद उसे खाने भी लगती है। फिर जैसे ही ड्रेन अपने घर पर आती है तब एल्सा उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है और ड्रेन वहां से वापस भाग जाती है और वो छत पर चढ़ जाती है। फिर जैसे ही क्लाइव और एल्सा उसे देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि अब ड्रेन के पर भी निकल आ चुके हैं। फिर क्लाइव ड्रेन को कन्विंस करता है और बाद में वो मान जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रेन अब एक बिल्ली के साथ खेल रही होती है, मगर जो एल्सा होती है वो ड्रेन से उस बिल्ली को ले लेती है क्योंकि इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता अब ड्रेन पर, और क्या पता वो बिल्ली को भी मार कर खाने लग जाए। फिर हमें बहुत ही शॉकिंग बात मालूम पड़ती है जहाँ पर जो ड्रेन होती है वो अब क्लाइव को पसंद करने लग गई है, और तो और जो एल्सा होती है उसके मन में ड्रेन के लिए जितना भी प्यार होता है अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और इससे ही हमें मालूम पड़ता है कि जिस खास डीएनए की बात एल्सा पहले कर रही थी वो उसका खुद का डीएनए था, जिसे सुनने के बाद क्लाइव जो होता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रेन होती है वो जानबूझकर अपनी पूंछ से उस बिल्ली को एल्सा के सामने ही मार देती है, जिसे देखने के बाद एल्सा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रेन को स्लैप कर देती है। और जैसे ही ड्रेन को स्लैप पड़ता है ड्रेन एल्सा के ऊपर आ जाती है और उसके गले में जो चाबी लटकी होती है वो उसे लेकर बाहर चली जाती है गेट खोल के। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्सा की रिसर्च लैबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एल्सा ने एक प्रोटीन बना लिया होता है जिसकी जिम्मेदारी उसके ऑफिस वालों ने उसे दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लाइव नॉर्मली ऐसे ही लैपटॉप की फुटेज चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि इस समय ड्रेन कहीं भी नहीं दिख रही है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि वो इस समय पानी के अंदर है। और फिर क्लाइव ड्रेन को देख रहा होता है कैमरे के अंदर और इस समय क्लाइव भी ड्रेन को पसंद करने लगता है। मगर जैसे ही वो उसे कैमरा में देख रहा होता है उस तरफ से ड्रेन भी उसके हाथ को टच करने की कोशिश करती है। ड्रेन को मालूम पड़ जाता है कि क्लाइव उसको देख रहा है, जिसे समझने के बाद क्लाइव बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं इसे ही देख रहा हूँ। फिर अगले सीन में क्लाइव ड्रेन को ढूंढते ढूंढते उसके फार्म हाउस पर आ जाता है और जैसे ही वो उसे ढूंढ रहा होता है ड्रेन उसके जस्ट पीछे खड़ी हो जाती है और ड्रेन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मगर उस समय क्लाइव अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है मगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी अपनी फीलिंग्स बताई देता है ड्रेन को, जिसके बाद एल्सा उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एल्सा और ड्रेन का सीन जहाँ पर जो ड्रेन की पूंछ है उसमें बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसकी वजह से इन सबकी लाइफ खतरे में आ सकती है अगर ड्रेन ने उन दोनों को मारने की कोशिश की तो। इसी वजह से एल्सा उसकी पूंछ काट देती है और उसके बाद वो लोग थोड़ा सेफ फील करते हैं। फिर हमें क्लाइव और एल्सा के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने ड्रेन को इस दुनिया में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और हमें उस टाइम पर ही रुक जाना चाहिए था। फिर वो दोनों उसी कॉन्वर्सेशन में डिसाइड करते हैं कि हमें ड्रेन को मार देना चाहिए, और जैसे वो लोग उसे मारने के लिए जाते हैं उसे मालूम पड़ता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो ऑलरेडी मरने वाली होती है। और कुछ ही मिनटों बाद
वो मर भी जाती है। वैसे भी मूवी के स्टार्टिंग में तो हमें ये बता, फिर उसके बाद क्लाइव का जो भाई है जिसने ड्रेन को देख लिया था, बहुत ही जल्दी से ग्रोथ कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ड्रेन को दफना चुके हैं एक जगह पर। वो अब इसके पास आता है और क्लाइव का भाई आकर उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने एक बहुत ही यूनिक क्रिएचर बनाया था, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया था उसके अंदर ह्यूमन का डीएनए भी है। जिसके बाद क्लाइव उसे बता देता है कि हाँ हमने बनाया था और इस समय वो मर भी चुकी है और हमने उसे गाड़ भी दिया है। मगर जैसे ही वो ये वाला डायलॉग बोलता है, वैसे ही जहाँ उसे गाड़ा होता है वहीं पर बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। मगर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि हमने जहाँ उसे गाड़ा था वो अब वहाँ है ही नहीं, और हमें ड्रेन एक घर के ऊपर दिखाई जाती है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। उसके बाद वो जाती है सीधा एल्सा के पास, और जैसे ही वो एल्सा के पास जाती है उन्हें मालूम पड़ जाता है कि अब इसने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया है और ये फीमेल से मेल हो चुकी है। मगर जैसे ही ड्रेन एल्सा को मारने जाती है, फिर क्लाइव पीछे से आता है और वो ड्रेन के छाती में बहुत ही जोर से एक लकड़ी का डंडा घुसा देता है, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और जैसे ही ड्रेन क्लाइव पर हमला करने जाती है, पीछे से एल्सा आकर ड्रेन के सर पर पत्थर मार देती है, और वो उसे पूरा मारना चाह रही होती है। मगर वो सोचने लगती है कि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और आज हमें इसे मारना चाह रहे हैं। मगर यहाँ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि जो ड्रेन होती है वो मौके का फायदा देखकर क्लाइव को मार देती है, और जैसे ही वो क्लाइव को मारती है एल्सा जो होती है वो उसके सर पर पत्थर मारकर वो उसे पूरा मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्सा जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में ड्रेन का बच्चा होता है। जी हाँ, ड्रेन ने लास्ट में अपना जेंडर चेंज करके एल्सा को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉस को मालूम पड़ती है ये बात, और वो एल्सा को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर भी करती है क्योंकि उसको उसके बच्चे की जरूरत होती है ताकि वो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कर पाए इस कंपनी के अंदर। फिर एल्सा सोचती है कि मैंने अपने पति को तक यहाँ पर खो दिया है और मैंने इस कंपनी के लिए क्या क्या नहीं किया है, तो मैं क्यों ना ये भी चीज कर लूँ। और फिर एल्सा उसके बॉस का चेक एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर वो मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।